ज्यादा थोड़ा थोड़ा करके खा लेते हैं, गुजिया हो गई, मिठाइयाँ हो गई, कि अपनी बॉडी का तो हाल ही बुरा हो जाता है, खास तौर पे अपने पेट का। और इस होली में सभी लोगों ने कुछ नहीं तो 2 से 3 किलो वजन तो बढ़ाया ही होगा इन कुछ ही दिनों में। और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अपने होली में बढ़े वेट को हम लोग कैसे लूज कर सकते हैं सिंपल घरेलू टिप्स से, और किस कौन सा डिटॉक्स वाटर है जो कि आपकी बॉडी को बहुत ही जल्दी डिटॉक्स कर देगा और आपके होली में बढ़े हुए वजन को कम कर देगा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डाइटिशियन सुधा मौर्य फ्रॉम सुधा डाइट क्लिनिक। तो आज मैं आप लोगों के लिए होली के लिए स्पेशल डिटॉक्स प्लान लेकर आई हूँ जो कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि होली के इतने दिनों बाद डिटॉक्स प्लान आया। एक्चुअली मैं ये वीडियो बनाने वाली नहीं थी, बट काफ़ी ज़्यादा मेरे पास मैसेजेस आए कि होली के बाद मेरा काफ़ी ज़्यादा वेट बढ़ चुका है, तो आप प्लीज़ इसके लिए कोई वीडियो बनाइए। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलिए अब मैं इसका वीडियो बनाती हूँ। काफ़ी लेट हो गई बट देर आए दुरुस्त आए, कहावत तो सुनी ही होगी आपने। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि होली में बढ़े हुए वजन को किस तरह से हम लोग कम कर सकते हैं घरेलू टिप्स से, क्योंकि हम लोग घर में तो थोड़ा बहुत खाते ही हैं, बट जब कहीं बाहर जाते तो भी अरे एक गुजिया खा लीजिए, एक पापड़ खा लीजिए, ये सब करते करते इतना ज़्यादा ऑयली फैटी चीज़ें हम लोग इंटेक कर लेते हैं कि हमारा पेट भी निकल आता है, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि बढ़ जाती हैं। तो रिसेंटली मैंने कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स के लिए एक वीडियो बनाया, उसको आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उसमें जो मैंने ड्रिंक बताई वो भी ज़रूर से फॉलो कीजिएगा अगर आप कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स से सफ़र कर रहे हैं, तो होली के बाद आपकी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ गई होगी। तो आप उस ड्रिंक को ज़रूर लीजिएगा। इस वीडियो का जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल, इस वीडियो से जस्ट पहले ही मेरा वो वीडियो आया उसको ज़रूर देखिएगा और अपने कॉन्स्टिपेशन पाइल्स से रिलीफ पाइएगा। अगर आप लोग अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए किसी चूर्ण का यूज़ करना चाहते हैं, चाहे क्योंकि काफ़ी लोग के पास टाइम काफ़ी ज़्यादा कम होता है अपने आप को टाइम देने के लिए, तो वो ये चूर्ण बना के रख सकते हैं। इसका भी वीडियो मैंने रिसेंटली आप लोग के साथ लाया था, उस वीडियो का भी जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ज़रूर विजिट कीजिए और देखिए कि उस चूर्ण को लेकर के आप किस तरीके से अपने वेट को लूज कर सकते हैं, अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं और अपने पेट की सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो ये तो रही हमारी पुरानी वीडियोस के कुछ ग्लिम्स जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। बट आज मैं आप लोगों को सिंपल टिप्स लेकर आई हूँ जिससे कि आप लोग अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। तो उसमें जो पहला टिप है वो है इनफ वाटर पीना। हम लोग इतना ज़्यादा ऑयली फैटी खा लेते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बट कई बार हम लोग उसे निग्लेक्ट कर देते हैं। जब हम लोग रिफाइंड फ्लोर्स खाते हैं, ऑयल खाते हैं, तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है और काफ़ी लोग अल्कोहल इंटेक करते हैं जिसकी वजह से बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, और ऐसे में पेट की प्रॉब्लम होना आम बात है। जब आपके पास पानी ही नहीं होगा बॉडी में तो वो आपके फूड को डाइजेस्ट कैसे करेगी। जैसे कि आप लोग जब मिक्सी में मसाला पीसते हैं तो क्या आपका मसाला पिस जाता है? जी नहीं, आपको उसमें पानी डालना पड़ता है। उसी तरीके से हमारे जो पेट की मिक्सी है उसमें भी हमें पानी डालना पड़ता है ताकि हमारे फूड को बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए। हमारे पेट को आप एक मिक्सी ही समझिए जिसमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो हमारे फूड को बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट कर सके, उसे अच्छे से ब्लेंड करके अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। तो इसलिए आपको सबसे ध्यान ये रखना है कि आपको 7 से 8 ग्लास पानी ज़रूर पीना है। और मॉर्निंग में आपको, अभी मैं इस वीडियो में आके आप लोग को डिटॉक्स वाटर की रेसिपी बताने वाली हूँ, तो उस डिटॉक्स वाटर को कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे वो आप लोग ज़रूर प्रिपेयर कीजिए। और मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक सबसे पहले उस ड्रिंक को लीजिए ताकि आपकी बॉडी में पानी जो है काफ़ी देर तक रुका रहे, क्योंकि मैंने उसमें एक ऐसे सीड का यूज़ किया है जो कि आपकी बॉडी में पानी को रोके रहेगा। क्योंकि जब आप लोग पानी ज़्यादा पीते हैं तो वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बट जब आप इस डिटॉक्स वाटर को पिएंगे मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक 1 ग्लास, तो ये आपकी बॉडी में पानी को रोके रहेगा। कोशिश कीजिए कि गुनगुना पानी पीजिए दिन में कम से कम 2 बार, तो ये आपकी बॉडी में वाटर को बनाए रखेगा और आपके फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करेगा, जिससे आपके वेट को लूज होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। फिर आप लोग का एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने से हमारी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती है वो बर्न हो जाती है। चाहे आप एक्सरसाइज कीजिए, एरोबिक्स कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, या घर में ही योगा कर सकते हैं, या तेज वॉकिंग कर सकते हैं, या स्टेप काउंटर डाउनलोड करके उस स्टेप्स को काउंट कर सकते हैं, साइकिलिंग, जॉगिंग, बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि आप अपने घर पर ही कर सकते हैं, और इससे आप अपनी एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं। जब आप डिटॉक्स वाटर लेंगे और फिर साथ में एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपकी कैलोरीज बर्न हो सके, तो ये आपके वेट लॉस को बूस्ट करेगा जिससे कि आपके वेट को लूज होने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड लेना। जब आप हरी सब्जियां लेंगे तो उसमें फाइबर कंटेंट और एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही अच्छे अमाउंट में होता है जो कि आपके वेट को लूज करने में बहुत हेल्प करता है।
साथ ही में आपके स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी क्योर करता है, क्योंकि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है उसमें कैलोरीज बहुत कम होती है, बट उसमें जो फाइबर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जो कि हमारे स्टमक को बहुत ही क्लीन रखने में हेल्प करता है। जब आप फाइबर ज्यादा लेंगे तो इससे आपका स्टमक क्लियर होगा, और जब आपका स्टमक क्लियर होगा तो 2 से 3 किलो वजन कम करना तो बहुत ही आसान बात है। और साथ ही में आप लोग को सैलेड जरूर लेना है, ताकि जो सैलेड होता है फाइबर कंटेंट आपका इंक्रीज कर सके, चाहे वो लंच हो या डिनर हो, आपको सैलेड जरूर से इंक्लूड करना है, ताकि आप लोग का फाइबर कंटेंट इंक्रीज रहे और आपको जो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो भी क्लियर रहे। नेक्स्ट है आप लोग का डिनर, आपको लाइट लेना है। जब आप लोग पूरे दिन पूरी इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना कि आपको डिनर लाइट लेना है, क्योंकि आप लोग डिनर लेने के बाद में सोने वाले हैं, बट डिनर करने के बाद में आपको कम से कम 50 कदम तो चलना ही चलना चाहिए, ताकि आप लोग अपने जो खाया पिया उसको आसानी से डाइजेस्ट कर सके, और सोने से 2 घंटे पहले डिनर जरूर लें। तो डिनर के लिए आप हेल्दी ऑप्शंस में आप स्मूदी ले सकते हैं, जिनके लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या आप लोग ब्रोकली सैलेड ले सकते हैं, चिकपी सैलेड ले सकते हैं, या आप लोग मूंग की दाल का सूप ले सकते हैं, या मूंग की दाल का खिचड़ी ले सकते हैं। इनमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं अपने होली में बढ़े हुए वजन को कम करने के लिए। तो डिनर हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, इन सब चीज़ों को जरूर ध्यान रखिए, इन सारे टिप्स को फॉलो कीजिए। जब आप लोग अपना डिनर लाइट रखेंगे तो इससे आपका स्टमक जो होगा बहुत उसे आराम मिलेगा, और जब आप लोग सोएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म इससे बूस्ट ही होगा। पर सोने से पहले आप लोग को सिनेमन टी जरूर लेनी, क्योंकि ये आपने दिन भर जो खाया पिया उसको डाइजेस्ट करने में और आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने में और फैट को कट करने में बहुत हेल्प करता है। और ये सिनेमन टी कैसे बनेगी, इस वीडियो का जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जरूर विजिट कीजिएगा और सिनेमन टी को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये आपके वेट को लूज करने की स्पीड को जस्ट डबल कर देता है, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को डबल कर देता है। और अब बात ये आती है आपकी डिटॉक्स वाटर की, कि आपको कौन सा डिटॉक्स वाटर बनाना है जो कि आपके वेट को लूज करने में, बॉडी में पानी को रोकने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला। तो चलिए चलते हैं हमारे किचन फार्मेसी में और बनाते हैं चल करके हमारा डिटॉक्स वाटर, जो कि आपको मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक तो लेना ही है, बट आपको दिन भर जब भी प्यास लगे आपको यही वाटर लेना है। तो चलिए चलते हैं हमारे किचन फार्मेसी। होली स्पेशल डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए मैंने इसमें कुछ इंग्रेडिएंट लिए, जिसमें पहला है 2 लीटर पानी, जो कि मैंने कांच के जार में लिया है। आपको भी कांच का जार लेना है जो बेस्ट होता है, इसके बाद प्लास्टिक में भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट स्टील तो बिल्कुल भी नहीं। अब जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है हमारा सिया सीड, जो कि वाटर को एब्जॉर्व कर लेता है, फाइबर रिच होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करता है। साथ ही में इसमें फाइबर इतने अच्छे अमाउंट में होता है कि हमारे बॉडी को में जो भी हमारी गंदगी जमा होती है उसे बहुत जल्दी फ्लश आउट कर देता है। और दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है हमारा लेमन। मैंने इसमें लेमन के 2 स्लाइसेस लिए, आप चाहें तो 3 से 4 भी ले सकते हैं। और ये जो लेमन होता है इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे अमाउंट में होता है, जो कि होली में खाए पिए फैट को कट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब हमें सबसे पहला क्या काम करना है, जो हमने 2 लीटर पानी लिया है उसमें जो आपने 1 चम्मच सिया सीड लिया उसको हमें डालना है। उसके बाद में हम इसमें लेमन को इंक्लूड करेंगे। इसके बाद में आपको बॉटल को या तो आप स्पून से चला सकते हैं, हल्का सा शेक कर सकते हैं, ताकि आप लोग का ये जो सिया सीड और ये जो लेमन अच्छे से मिक्स हो जाए, वरना आपका जो सिया सीड है ऊपर बैठा रहेगा। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो हमारा पानी है ये बन करके तैयार हो चुका है। ये वाटर आपको मॉर्निंग में बहुत ही जल्दी बना करके रखना है, ताकि आप लोग ब्रेकफास्ट से पहले भी 1 ग्लास इसको ले सकें। आपको इसको लेने पर ध्यान रखना है बस, फिर देखिए आपके होली में जमा फैट कितनी जल्दी कट हो जाता है। तो देखा आप लोगों ने कितना आसानी से डिटॉक्स वाटर को बनाना। आप लोग इजिली इस डिटॉक्स वाटर को घर पर बना सकते हैं, बट पीने से पहले आपको ये ध्यान रखना है, सुबह उठ करके मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक आपको 1 ग्लास लेना है, लंच से आधे घंटे पहले 1 ग्लास लेना है, डिनर से आधे घंटे पहले 1 ग्लास लेना है, और इवनिंग में भी आपको 1 ग्लास जरूर लेना है। इससे आपको जो 2 लीटर पानी आपने प्रिपेयर किया वो आसानी से खत्म हो जाएगा और इससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड भी रहेगी। तो मेरा ये वीडियो आपके होली में बढ़े हुए वेट को कम करने में, डिटॉक्स करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सो हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।